तस्वीर आप तक पहुंचाने में हम सफल हुए हैं। ये कितना सुंदर लग रहा है। वैसे तो मैं इसका ऑफलाइन वीडियो आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप अभी लाइव वीडियो देख लीजिए। ये है सत्तर घाट की तस्वीर, सत्तर घाट ब्रिज की तस्वीर, और देख सकते इसके किनारों को पार करने के लिए, जिसके दोनों किनारों को आने के लिए मैं कभी आया जाया करता था तो काफ़ी परेशानी होती थी, और आज आप देख सकते हैं कितना मन प्रसन्न हो रहा है। ये गंडक नदी भले ही अभी छोटा दिख रहा हो और इसका किनारा आपको बहुत छोटा दिख रहा हो, लेकिन इसके विकराल रूप को वही महसूस कर सकता है जिसने इसे को आर पार किया है, इस पार से उस पार आना जाना किया है, वही इसके किनारों को महसूस कर सकता है। कितनी परेशानी होती थी हमें अपडेट देने के समय, जब मैं इस पार से उस पार आता था तो कितनी परेशानी होती थी, और आज मैं आसानी से आ गया हूं और फिर जा रहा हूं, फिर लौटूंगा, मुझे लौटना भी है। और ये देख सकते हैं, ये है सत्तर घाट ब्रिज का। लोग देख सकते हैं कि जो खेत है वही लोग अब नीचे से आना जाना करेंगे, जो जिनका खेत नहीं है, जो सिर्फ आने जाने के लिए इस पार से उस पार आने जाने के लिए मार्ग का उपयोग करते हैं, वो तो पुल का ही इस्तेमाल करेंगे, नीचे तो वो नहीं जाएंगे। ये देख सकते हैं, ये गंडक ब्रिज है और ये सत्तर घाट है जिसका पाया न कह नहीं सकता, लेकिन थोड़ा गैप है जो नहीं होना चाहिए। तो ये है, ये देख सकते हैं। ऑफलाइन वीडियो भी आपको मिल जाएगा, हम आपको दिखाएंगे जब हम एडिट कर लेंगे सारा पार्ट को, तब आपको दिखाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। इनसे कहता हूँ नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।